आईपीएल में रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पुणे सुपर जायंट्स को एक रन से हराकर तीसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को पुणे और मुंबई के बीच आईपीएल सीजन 10 का फाइनल मैच खेला गया। टॉस मुंबई ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मुंबई ने 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 129 रन बनाए। मुंबई की तरफ से कृणाल पांड्या ने 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 47 और कप्तान रोहित शर्मा ने 4 चौकों की मदद से 24 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी पुणे की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन बावजूद इसके पुणे की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 128 रन ही बना सकी और मैच 1 रन से हार गई। पुणे की तरफ से कप्तान स्टीव स्मिथ ने 2 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 51 और अजंक्य रहाणे ने 5 चौकों की मदद से 44 रन बनाए। 47 रन बनाने वाले कृणाल पांड्या मैन ऑफ द मैच रहे। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के तीनों खिताब रोहित शर्मा की कप्तानी में ही जीते हैं। मुंबई इंडियंस साल 2013 और 2015 में आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी है। कोनिस बिरो।